हेलो की गैंग, मैं मुताब गिलाई, फैशन शूटर फॉर नेटर आर्टिजन से। और बच्चों की जब हेलो मेरे टॉपर्स की गैंग, मैं मुताब हेलो मेरे टॉपर्स की गैंग, मैं मिताब देवंगन एक बार फिर से लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नेटर आईआईटी से। और बच्चों की जैसे कि आप लोगों ने यहां पर देख लिया होगा, एक्सरसाइज 4.2 यानी इस चैप्टर को निपटा देंगे, एकदम निपटा देंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। इसके लिए ये तीन ऑप्शन में से कौन सा सही है और क्यों सही है। सही है ये टिक नहीं लगाना है बच्चों, रीजन भी बताना है आपको कि सही क्यों है। चलो देख लेते हैं यार, ठीक है, पहले इसको लिख देते हैं, y equals to 3x plus 5, ठीक है। चलो क्या लगता है कि इसके कितने सॉल्यूशंस बन सकते हैं। चलो एट x equals to 0, x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, 3 into 0 plus 5 यानी कि 5। चलो ठीक, ये पहला सॉल्यूशन हुआ। दूसरा सॉल्यूशन एट x equals to 1 क्या हो जाएगा, y equals to 3 into x की जगह पे 1 plus 5 यानी 3 1 3 plus 5 8। दो सॉल्यूशन निकल गया, और सॉल्यूशन निकल सकता है कि, चलो देख लेते हैं। चलो तीसरा हम देखते हैं एट x equals to -1, उठ करके देखते हैं y equals to 3 into -1 plus 5 और -3 plus 5 यानी 2। क्या और कितनी वैल्यू x की पुट कर सकते हैं, इनफिनाइट। तो y की कितनी वैल्यू आ सकती है, इनफिनाइट। आया समझ में आप लोगों, तो चलो ऑप्शन की ओर जाते हैं। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है सिर्फ एक सॉल्यूशन। क्या लगता है इस इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, नहीं, एक से ज्यादा है। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, गलत। ओनली टू सॉल्यूशन, क्या सिर्फ दो ही सॉल्यूशन हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ऑफकोर्स हमने तीन निकाल के दिखा दिया, तो ये भी गलत। ये साइन का मतलब होता है इन्फिनाइट, इन्फिनाइटली, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है, बुक में वर्डिंग्स लिखे हैं, मैंने सिंबल लिख दिया, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। हाँ भाई, एकदम सही बोल रहा है, क्योंकि हम लोग x की इनफिनाइट वैल्यू यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक जहां तक के काउंट करो पुट कर सकते हैं। और जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो उतने ही सारे y की वैल्यूस आएगा। इस कारण से बच्चों हमारे सही ऑप्शन क्या होगा, थर्ड वाला, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन। अब आंसर में इसका रीजन क्या लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे, वी कैन पुट मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू बहुत सारे पुट कर सकते हैं, ठीक है, एंड ऑन पुटिंग many values of x we get many values of y, therefore क्या था equation, y equals to 3x plus 5 has infinite many solution। आए समझे बच्चों, मैंने क्या लिखा, हम x की बहुत सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं और वो वैल्यू पुट करने पर हमें y की बहुत सारी वैल्यू आएगी। आया समझ में, और इस कारण से y equals to 3x plus 5 का क्या हो जाएगा बच्चों, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। मिलते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे है और क्या बोल रहा है, राइट फोर सॉल्यूशन, इन सारे इक्वेशन का फोर सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो चलो एक एक करके करते हैं यार। तो आपको याद तो है ना हम क्या करते थे, हम ऐसा सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देते थे। पहला क्वेश्चन क्या है यार, 2x plus y equals to 7, ठीक है, उसका हम खुद से डिसाइड करते थे। ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है कि किसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है, हम एक काम करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू पुट कर करके।
तो हम वाई कैसे लिखेंगे, ये पूरा एक साइड सिर्फ वाई रहेगा, बाकी साइड बाकी सब चीज रहेगा। ये टू एक्स उधर चले जाएगा तो क्या होगा यार, सेवन माइनस टू एक्स हो जाएगा। ये वाई का इक्वेशन बन गया, डब्बा बना रहे, इसका मतलब सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम लोग कैसा एज्यूम करेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, है ना। ऐसा हम लोग चार बार अलग अलग x की वैल्यू पुट करेंगे और चार बार अलग अलग y की वैल्यू लाएंगे। चलो करके देखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू सेवन माइनस टू इंटू जीरो यानी सेवन आ जाएगा। सेवन सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, एट x इक्वल्स टू वन, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, सेवन माइनस टू इंटू वन यानी कि सेवन माइनस टू यानी कि फाइव। ठीक है, दो सॉल्यूशन निकल गया। तीसरा सॉल्यूशन क्या होगा, मैंने क्या बोला था, x इक्वल्स टू माइनस वन पुट करना। हाँ, पहले x x y जिसकी भी वैल्यू पुट करो, पहले जीरो पुट करना, उसके प्लस वन, उसके बाद माइनस वन। चलो माइनस वन पुट करते हैं यार, y इक्वल्स टू सेवन माइनस टू इंटू माइनस वन या फिर सेवन प्लस टू या फिर नाइन सॉरी फोर्थ। अब क्या होगा, x इक्वल्स टू टू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, y इक्वल्स टू सेवन माइनस टू इंटू टू यानी सेवन माइनस फोर यानी कि थ्री। हाँ, बस इतना ही तो था सॉल्यूशन। तो ये पहला इक्वेशन का हमने चार सॉल्यूशन निकाला। चलो दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं जल्दी से फुल स्पीड में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझसे पहले आप लोग निकाल के दिखा दोगे बच्चों, मेरे लिए कोई वेट नहीं करेगा। हाँ, अगर आपको टैली करना है, मेरे जैसे वैल्यू अगर कोई पुट करता है तो आप वेट करोगे, नहीं तो आप अपना सॉल्यूशन निकालोगे, मुझसे पहले निकलना चाहिए। यहां से y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, नाइन माइनस पाई एक्स हो जाएगा। अब पहला आप इसमें क्या पुट करोगे, एट x इक्वल्स टू जीरो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू नाइन माइनस पाई इंटू जीरो यानी आंसर नाइन आएगा। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एट x इक्वल्स टू वन क्या हो जाएगा, y equals to 9 minus pi into 1 यानि 9 minus pi at x equals to minus 1 क्या हो जाएगा बच्चों, y equals to 9 minus pi into minus 1 9 minus into minus plus और pi into 1 pi, बस इतना ही रहेगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, pi की जगह 22 by 7 पुट कर सकते हो या फिर पाई की जगह 3.141 पुट कर सकते हो। जब इसको ऐड करो कितना आ जाएगा, 12.141। आप ये भी रहन दोगे और यही रहने देना बच्चों, इसके आगे सॉल्व मत करना, बिल्कुल जरूरत नहीं है, याद रखना। एट x इक्वल्स टू टू क्या हो जाएगा यार, x इक्वल्स टू टू पे y इक्वल्स टू नाइन माइनस पाई इंटू टू या फिर नाइन माइनस टू पाई, आया समझ में। चलिए जल्दी से थर्ड वाला इक्वेशन का चार सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, चलिए x इक्वल्स टू फोर वाई हो तो बहुत ज्यादा इजी है बच्चों। थर्ड वाला x इक्वल्स टू फोर वाई और y इक्वल्स टू x बाई फोर, बस। तो एट x इक्वल्स टू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो बाई फोर यानी जीरो। एट x इक्वल्स टू वन क्या हो जाएगा, वन बाई फोर, अरे इजी है यार। एट x इक्वल्स टू माइनस वन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई फोर, समझ में तो आ रहा है ना। ये x की जगह जो जो एज्यूम करते जा रहे हैं, इस x की जगह पुट करते जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्या होगा, एट x इक्वल्स टू टू तो y इक्वल्स टू टू बाई फोर, ये वन जाए ये टू जाए यानी हो गया, हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एकदम छोटा सा है, पिद्दू सा है, चले करें, ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। चलिए जल्दी से करते हैं। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़ लो क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इक्वल्स टू k, यानी इस इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है का क्या मतलब, क्या है, अगर LHS में ये वैल्यू पुट करोगे तो RHS वाला वैल्यू आ जाएगा। करके देखें, चलो करके देखते हैं। ठीक है, ऐसे भी हमें k की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो LHS में वैल्यू पुट कर देते, k की वैल्यू इजीली आ जाएगा। चलिए इक्वेशन क्या है,
2x plus 3y equals to k, इसके नीचे कैसे लिखेंगे at 2, 1, याद है ना, कोऑर्डिनेट ऐसा लिखते हैं। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगा और 3 इंटू वाई की जगह पे ये वैल्यू इक्वल्स टू के, 2, 2 जब 4, 3, 1 जब 3 इक्वल्स टू के, या फिर 7 इक्वल्स टू के और के इक्वल्स टू 7। इसके साथ में इस चैप्टर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो बच्चों कमेंट में एक बार चेक कर लेना, मैंने पूरे मॉड्यूल्स डाल दिए, प्रैक्टिस शीट डाल दिए हैं, बिल्कुल आप लोग को प्रैक्टिस करना, और ऐप तो बिल्कुल डाउनलोड करना मत भूलना क्योंकि पूरा सॉल्यूशन वहां पर दिया हुआ है और भर भर के बहुत अच्छी चीज दी। मिलता बहुत जल्द बच्चों, तब तक के मजे करते रहो, पढ़ाई करते रहो।